तो बुआ जी ने मकान लिया है तो वही खुशी में डब्बा देने आई थी बुआ जी। अभी घर पे कोई आया नहीं तो अभी हम सफाई अभियान चालू करने लगे हैं। नाम है डीमोल और वहाँ पर कोई हमारा फेवरेट क्रिएटर आया हुआ है। बताइए कौन है? सौरभ जोशी व्लॉग्स। और ये क्या है? पन्नी कहाँ पे छुपा के रखता है? अरे देखते हैं हमारी वीडियो, तो उन्होंने भेजी दी है तो ये भी हमने फोटोकॉपी करा लिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो गई थी, अभी जो टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। मम्मी भरजाई वो तो है नहीं, वो तो कहीं गए हुए हैं। अभी घर पे मैं, जग्गू, सिद्धू मेरा भाई, अभी यही है घर पे। और अभी वो वाले रूम में बड़ी बुआ भी आई हुई है, तो चलते हैं वहाँ पर। तो अभी हम ये वाले रूम में आए थे और यहाँ देखा कि अभी बुआ आई थी। और बुआ जी की हालचाल? हाँ, ठीक है बेटा। बढ़िया। मम्मी तो है नहीं, लेकिन मम्मी गई हुई है। चल आ गए। और बुआ जी एक डब्बा लेके आई है। अच्छा, मकान लिया आपने? ओके। तो बुआ जी ने मकान लिया है तो वही खुशी में डब्बा देने आई थी बुआ जी अभी। और ये बैठा हमारा सिद्धू भाजी, क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं। और अभी डब्बा खोल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी डब्बा खोला और डब्बे में थे लड्डू। पहले बुआ जी करो मुंह मीठा आप। तो अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, ब्रश करके अभी आया हूँ। और बुआ भी आई थी डब्बा देने, बुआ भी चल के घर। अरे सिद्धू भाजी, ये रहा सिद्धू भाजी, फोन चला रहे हो? और कुछ काम तो है नहीं, पूरा दिन फोन चलाते रहो, गेम खेलते रहो। बुआ डब्बा लेके आई थी, डब्बे में थे लड्डू। और अभी इतने लड्डू रह गए हैं क्योंकि बाकियों को दे रही है। ताया ताई को भी दे रही है, चाचा चाची को दे रही है, दादी को भी दे रही है। और बाकी ये लड्डू रह गए हैं 6-5 रह गए, अब एक मैं ले रहा हूँ। और मम्मी परजाई और बहन आएगी, वो खा लेगी फिर आकर। फिलहाल ये डब्बे को हम रख देते हैं इधर ही। मम्मी परजाई वो तो गए हुए हैं, वो तो चाय पी गए थे और भाई ने भी पी ली है और मैंने नहीं पी अभी तक। तो मैं पहले चाय पहले अपनी गर्म करता हूँ। और ये रही चाय, और पहले ये गर्म करते हैं। हमने चाय पी ली थी और अब ना चलते हैं रेडी होने। रेडी भी होना है, धूप बहुत ज्यादा है। और सिद्धू भाजी भी आ गए, कहाँ गए थे तुम? लस्सी लेने। छाछ लेने गया था, क्या बात है। सिद्धू गया था बाहर छाछ लेने। और गर्मी जितनी है ना आज, आ तो मन कर रहा छाछ ही पी लो यार। आज कितनी गर्मी है बाहर, ज्यादा है? दिखाइयो दिखाइयो। तो अभी ये छाछ लेने गया था वेर का की। कितनी लेके आया? दो नहीं, तीन। तीन? दो है, गिननी नहीं आती। बाहर जाकर मैं आपको धूप दिखाता हूँ आज कितनी ज्यादा धूप आ रही है बाहर। और ये देखो कितनी ज्यादा धूप है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना फर्श पे, तो फर्श भी पूरा गर्म हुआ हुआ है। अंदर ही चलते हैं। अभी घर पे कोई आया नहीं तो अभी हम सफाई अभियान चालू करने लगे हैं। हन्नी और मैं, हन्नी उधर बैठा और मैं ये ना। तो ताई और परजाई गए हुए बाहर, तो फिर करते हैं सफाई अभियान चालू। चलो फिर करते हैं। जग्गू झाड़ू तू मारेगा, मैं मारू? तू मार दो। दे मैं मार देता हूँ। और सिद्धू तेरा भी काम है, तू मत खुश हो। मैं मार ये देख, ये देख रहा है जितनी चीजें है, बर्तन ये रख के आ किचन में। और यहाँ पर ये दिख रहा है तेरे को जो तौलिया पड़ा है ना, तो ये रख के आ। और वो तारे तूरे ऊपर कर, मैं ये सफाई कर लेता उसकी। नहीं ये मैं कर दूंगा, झाड़ू मैं लगाऊं? नहीं दे मैं ही लगा देता हूँ, झाड़ू मैं लगा दूंगा। तू पहले रख के आ, पहले जा। अभी ये वाली मशीन नीचे रख के आनी है, इधर पड़ी थी, अब नीचे रख के आते हैं। चलो तो मशीन नीचे लेके आ गया है, अब इन्हें अंदर रखने की बारी है। चलो फिर अंदर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हनी झाड़ू लगाते हुए, अच्छी तरह करना है, ठीक है। हाँ, अच्छी तरह। पोचा तू लगाएगा? नहीं नहीं, पोचा भी आप ही लगाओगे, मैं क्यों लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे को ना पैसा 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा नहीं, 150 रुपया लेगा। अच्छी तरह मारो, अच्छी तरह। बाहर आए थे अभी और यहाँ पर देखो शीशा चमकाने में लगा हुआ है।
भाई चमकाना है पूरा, ठीक है ना, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगी तेरे को। कितनी पेमेंट लेगा? 150 रुपया। नहीं तो फिर मैं इसको 150 रुपया नहीं देगा। अगर एक भी दाग निकला ना फिर नहीं मिलेगी, फिर 1 रुपया भी नहीं मिलेगी। तो अभी पूरा काम हो गया है और एक एक जगह हमने चमका दी है। रूम ये भी हो गया है, सिद्धू भाई ने बहुत मेहनत करी है, झाड़ू भी लगा दी है, किचन भी कर दी है, पिछले वाला जो रूम है वो भी कर दिया है, और फ्रिज चमकाना था वो भी चमका दिया, टीवी चमकाना था वो भी हमने कॉलिन लेके आए थे कल, तो वो मार के चमका दिया पूरा शीशे। फिलहाल अभी ना हम बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, और ये कह रहा है मैंने भी नहाने जाना है। मैं कह रहा हूँ नीचे मत नहाओ ना, छत पे चल लो, ठीक है ना, छत पे तू भी जाएगा? जा तू भी चल लो ऊपर ही छत पे, क्योंकि धूप भी आ रही है, पानी आ रहा है ठंडा। मैं कह नीचे मत नहाओ, क्योंकि नीचे नहाओगे बाहर पानी हो जाएगा। मैं कहा ऊपर ही चल लो, ऊपर चलते आ जा, और मोटर चलाते हैं पहले, ठंडा पानी आएगा, ठंडे पानी में जाएंगे। क्यों पापा ही ना लेंगे? पापा को पूछ जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे, पापा ने मना कर दिया। चलो हम चलते हैं, जग्गू आ जा, आया तू भी, तो अभी चलते हैं ऊपर। और यार आज ना कहीं प्लान नहीं है कहीं भी जाने का बाहर, या कुछ भी घर पे भी कुछ प्लान नहीं है करने का, तो आज मन ही नहीं कर रहा तैयार होने का। मैं कहा बाद में तैयार हो गया, जब मम्मी आ जाएगी ना तब तैयार हो जाएगा हम। और अभी हम जहाँ पर रहते हैं ना, ये जगह मतलब नियर बाय पश्चिम बिहार पड़ता है, पश्चिम बिहार में ना डी मॉल है, जहाँ पर बैंकेट हॉल होते हैं, तो वो टाइप में कुछ है, नाम है डी मॉल। और वहाँ पर कोई हमारा फेवरेट क्रिएटर आया हुआ है, यूट्यूब क्रिएटर व्लॉगर, तो जग्गू बताएगा कौन आया, फिर बताइए कौन आया। सौरभ जोशी व्लॉग्स, तो वो आया हुआ ना यहाँ पर, बट यार हमारे एरिया में, बट यार आज हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो घर पे भी मम्मी भी नहीं है अभी, और तैयार भी नहीं है अभी हम, तो जाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो 1 घंटे पहले अपडेट था वहाँ पर, अब मेरे को नहीं पता वहाँ पर हो गए या नहीं हो गए, तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो मैं जा ही नहीं रहा था अभी करके। वहाँ पर रेडिसन ब्लू टी मॉल, वहाँ पर सौरभ जोशी भाई आया है। हम ऊपर आए थे तो पूरा आधा घंटा वेट करा, क्योंकि टैंकी बिल्कुल खाली थी ये वाली, और टैंक हमने मोटर चलाई, टैंकी फुल हुई, टैंकी फुल होने के बाद पानी आना शुरू हुआ है, वो देखो। जग्गू तेरे को क्या हो रहा है? मजा आ रहा है। सिद्धू तू भी नाले, ओए ओए बाल गिले ना करे यार, बाल गिले ना कर। वो बताओ अभी सिद्धू ने क्या किया, नीचे बर्फ लेने गया था, दिखाइयो बर्फ, बर्फ दिखाइयो। ओ जग्गू रुक जा, 2 मिनट रुक जा, तू भी रुक जा, अबे रुक जा, ठंडा पानी था। सिद्धू बाल गीले मत कर, मैं बोल क्या हूँ पापा को, तू बाल गीले कर यार अपने। और ये तो लग गया यहीं पे नहाने, जग्गू मजा आ रहा है, बच गई। सिद्धू पन्नी ना करी यार, और एक बाल्टी भी घेर दे तूने, मेरे को लग रहा है जब तक दिवाली नहीं आएगी ना तब तक ये पन्नी छोड़ेगा नहीं। अरे रहन दे यार सिद्धू, पागल है यार ये, ओए बाल गिले ना कर यार जग्गू, जग्गू देख ले बाल गिले करेगा ना डांट पड़ेगी यार। यहाँ पर देखो अभी दोनों नहा रहे थे, जग्गू ने अपनी ना जब निकल उतारी तो देखो यार जग्गू ने डाला था पिंक, अच्छा जग्गू हेलो। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा पिंक, अच्छा जग्गू मजा आ रहा है धूप में नहाने का। सिद्धू तू नीचे आ जा, तू नीचे आ जा, नीचे आ जा सिद्धू, नीचे आ जा। पानी जो आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो मेरा मन कह रहा है मैं भी नहा लूं यहीं पे, लेकिन मैं नहीं नहा रहा, मैं नीचे जाके नहाऊंगा, नीचे मोटर में ही ठंडा आएगा ना, मैं बाद में नहाऊंगा जब मम्मी आ जाएगी ना तभी नहाऊंगा मैं। सिद्धू गिर जाएगा तू, तू नीचे आ, पहले नीचे आ, नीचे बैठ, उतर उतर, नहा लिया तुम्हारा हो गया चले। और ये क्या है, पन्नी कहाँ पे छुपा के रखता है, कोई डालता निक्कर में अपनी पन्नी, ओए इधर आ जा। देखो कितनी हवा चल रही है, और पानी देखो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। इनका नहाना हो गया है और हम भी चलते हैं नीचे। सिद्धू आ जा,
ये उतार के जा पहले, ये नहीं हो नीचे न जाइयो, पापा ने बोला है ना नीचे पानी पानी करेगा तू। तो अभी नीचे आ गए हैं, सिद्धू भी आ रहा है, जग्गू भी आ रहा है अभी, और मैं भी जा रहा हूँ नहाने। मैं ऊपर नहीं नहाया, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे नहाऊंगा अब। तो मैं गया था नहाने और नहाकर आ गया हूँ। बाकी अभी भाई लगा हुआ किचन में, देखते हैं क्या बना रहा है। और यहाँ पे ना भाई अभी कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है? मैं चावल। चावल, ओके। तो भाई बनाएगा चावल, ये रहे चावल। यहाँ पर है प्याज, धनिया, अदरक, ये रही वड़िया, और चावल अभी बनेंगे। फाइनली यार चावल बन गए थे, ये देखो एक बार चावल, और ये है दही, और भाई ने बनाया है चावल। ये रहे मेरे, और ये जो छाछ लेके आए थे ना, ये रही छाछ, बर्फ़ डाल दिया छाछ में भी। यहाँ पर पार्टी हो रही है हमारी। यही मिला है, चावल नहीं मिले? चल झूठा, चावल किधर है? पीछे छुपा दिया ना, वो रे वो रे वो रे। पागल बना रहा है हमें, हमारे को पागल बना रहा है, कह रहा मेरे को चावल नहीं मिले, मेरे को खाली दही मिला है, और पीछे छुपा दिया रे चावल। अभी हमारा लंच हो रहा है, लंच देखो कितने बजे हो रहा है, 5 बज गए हैं और 5 बजे लंच करे हम। और अभी मम्मी को ही फ़ोन किया था मैंने, तो मम्मी भी आ रही है, तो मम्मी को आते आते लगता आधा घंटा और लगेगा, आधे घंटे तक पहुँच जाएगी मम्मी। कहीं चावल के ऊपर ही डाल दिया हैं। चलो ये रहे मेरे चावल, और ये रहा दही, और जो दही है ना, दही में हमने काला नमक और काली मिर्च होती है ना, वो पाउडर होता है, तो वो डाला हुआ है। अच्छा लग रहा दही, बढ़िया है। और चावल भी खाते हैं अब चावल को मैं देख रहा हूँ ना, रहा नहीं जा रहा, अब जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है मेरे को, देख के रहा नहीं जा रहा। चलो पहले चावल खाते हैं। फाइनली यार मम्मी और भरजाई गए हुए थे, वो भी आ गए हैं, और टाइम देख लो एक बार कितना हो गया है, इतनी लेट आए हो भरजाई जी, इतनी लेट। 2 घंटे लग गए बस विच, नरेले गए थे। और मम्मी आ रही है? मम्मी नहीं आई अभी तक, आ ही गई है मम्मी भी। लो इतनी लेट आयो, शाम हो गई। तो भी आ रहे थे हम किचन में, और चाय बन रही थी अभी। चल मेरे को भी चाय दे दी आज मॉर्निंग में, तो एक बार चाय पी हमने, वो भी हमने नहीं बनाई, वो भी तुम ही बना के गए थे। हर चीज हमने कर ली, झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, चावल भी बना लिए, खाली चाय बनाई नहीं हमने, बस चाय से मार खा गए तुम। अभी किचन में गया था, चाय बन रही है, और परजाई यहाँ पर अब लगी हुई है अपने काम पे। परजाई जी क्या बना रहे हो आप? आलू फलिया बनेगी। अच्छा, और मम्मी ये रही, चाय पीनी है मम्मी आपने? मिल जाएगी। आप पी के नहीं आए? नहीं पी के आए, पी के आए है? मम्मी कह रहे नहीं पी के आए। मम्मी देख रहा मेरे को झूठ बोल रही है। मम्मी कहती मैं नहीं पी के आई, वीडियो में आप बोल रहे नहीं पी के आए। झूठ पकड़ा गया मम्मी का। फिलहाल किचन में अभी आया है, चाय बन गई है, और ये क्या है? मलाई, ब्रेड मलाई, वाह क्या बात है, मलाई ऊपर चीनी भी डाल के। मेरे को भी खानी है फिर तो। मम्मा को दे रही है, मेरे को भी दे रहे ना एक। हाँ, और चाय पीछे बन गई है, और हम भी अभी खाएंगे मलाई, ब्रेड, चीनी, पता नहीं क्या कहते हैं जो भी है, बट मलाई मतलब ब्रेड के ऊपर मलाई लगा के ऊपर चीनी डाल के। शायद आपने भी खाई होगी, अगर आपने खाई है तो कमेंट करके बताना। फिलहाल एक बन गया, और ये हम देते हैं मम्मी को। लो जी मम्मी, आपका मलाई ब्रेड और चीनी। मलाई ब्रेड चीनी। तो मम्मी अभी खा रही है यहाँ पर मलाई ब्रेड चीनी। और जग्गू तूने खाई है कभी मलाई ब्रेड चीनी? नहीं खाई ना, खाना चाहेगा? देखता हूँ। तो चाय बन गई थी, चाय भरजाई जी ये लो आपकी है, आप ले लो। लो पानी। तो क्या पियोगे पहले बताओ? पहले पानी पियोगे। कल सिद्धू भी यही कर रहा था, पहले पानी पिया फिर चाय पी, और आप भी वही कर रहे हो। है मम्मी पे गया? मम्मी पे गया, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और ये रही मेरी चाय मम्मी, आपने अच्छा आपकी उधर है, मेरी भी यहीं रख लो। अग्गू चाय पिएगा? देख ले पीनी है तो, वो हाफ कर ले मेरी, ज्यादा है। ठीक है, इतनी और डाल दूं? ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मम्मी ने कल ना वहाँ पर जाना है हरिनगर, डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहाँ पर वेरीफाई हो गए, तो ना ये डॉक्यूमेंट है मम्मी के पेंशन के, तो वो मैं बाहर जा रहा हूँ अभी फोटोकॉपी कराने, फोटोकॉपी करा के आते हैं, क्योंकि कल मम्मी ने जाना है, बट मैं नहीं जा रहा कल मम्मी अकेले जाएगी, तो मम्मी कह रही थी मैं चल जाऊंगी, खाली ना डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कराया। और मम्मी कल फिर जाओगे अकेले? जाओगे नहीं, वो प्रीति चाची है। अच्छा चाची ने जाना है, चलो रिक्शे में जाओगे?
ठीक है चले फिर एक मिनट जग्गू ये डॉक्यूमेंट कराए फोटोकॉपी चल आया हाँ हाँ मैं देख लूँगा चाबी किधर है यार चाबी ले लियो चाबी ले लिया और चलते हैं बाहर आ गए थे अभी दुकान पे और फोटोकॉपी करा रहे थे यहाँ पर ये दो दो कर देना हर चीज हर एक प्रूफ की दो दो बोली थी ना मम्मी ने एक एक बोली थी दो दो तो जितने डॉक्यूमेंट लाए थे वो फोटोकॉपी करा के हमने ये बैग में डाल लिया है और एक ना फोटो थी वो भी हम निकलवा रहे हैं आपको पता लग जाएगी अभी तो एक सिद्धू की यार ये फोटो थी जो देखते हैं हमारी वीडियो तो उन्होंने भेजी थी है तो ये भी हमने फोटोकॉपी करा लिया अभी ये फ्रेम करा देंगे हम तो अभी आ गए थे हम घर पे और फोटोकॉपी भी करवाए हैं और एक चीज और कटवाई है वो भी मैं दिखाता हूँ इनको पकड़ना बैग और ये मैं निकलवा के लाया हूँ सिद्धू तेरे को पता क्या है ये देख याद आया कुछ तेरे बर्थडे पे दी थी ना देखो अच्छी लग रही है ना छोटी नहीं वो शीट के ऊपर है ना और यहाँ पूरा फ्रेम करा देंगे क्या नाम था सार्थक दास हाँ नाम मैं भूल गया था बट जो भी है बहुत अच्छी बनाई थी उनको एक बार दोबारा हम थैंक यू कर देते हैं और ये ना फ्रेम कराएंगे है ना फ्रेम हो जाएगी पूरी फ्रेम करा के ना यहाँ कहीं लगा देंगे दीवार पे भैया जी रख लो फ्रेम कराने के लिए ठीक है फोल्ड ना करना भैया जी नहीं तो लाइन आ जाएगी ना डिनर हाँ दे दो क्या है आलू फलिया चलो तो हमारा डिनर आ गया है और ये रही आलू फलिया और सिद्धू भाजी बैठे हैं नीचे सिद्धू भाजी आप आलू फलिया नहीं खा रहे क्या खा रहे प्याज प्याज कटवाए है आलू फलिया क्यों नहीं खा रहे आलू फलिया अच्छी नहीं लगती कभी टाइम आ गया वीडियो एंड करने का और आज की वीडियो में आपने देखा कि आज मम्मी और बाकी जाने घर पे नहीं थे फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पे थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय।